जन्माष्टमी के अवसर पर है और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अगर भगवान श्री कृष्ण के संदेश को अगर हम लोग उल्लेख नहीं करें तो भगवान श्री कृष्ण एक वाक्य का भी हम उल्लेख करना चाहेंगे जिसको आज के इस कार्यक्रम में हम लोग संदेश के रूप में लेंगे। श्री मद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ है एक वाक्य और हमेशा ऐसे कार्यक्रम में हम अनुरोध करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के उस वाक्य को हम लोग अपने जीवन में हर पल हर क्षण उसका अनुकरण करें तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हम सभी लोगों को हमेशा कर्म की चिंता करना है। कर्म दो प्रकार का होता है, अच्छे कर्म होता है और कुछ बुरे कर्म होते हैं। तो जो अच्छे कर्म होता है, जो सत्कर्म होते हैं, हम सभी लोगों को सत्कर्म पर ध्यान देना है। हम सभी लोगों को अपने जीवन में सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है और कभी भी अपने जीवन में बुरे कर्म का परित्याग करना। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को कर्म करना है, सत्कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है और जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा होगा। यही श्रीमद् भागवत गीता का सार है, यही संदेश है। इसलिए हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में निश्चित रूप से अच्छे कर्म करने का प्रेरणा ले, अच्छे कर्म करने का संदेश ले, अच्छे कर्म करने का संकल्प ले तो निश्चित रूप से अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल होगा। और फल की चिंता हम सभी लोगों को नहीं करनी है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो फल निश्चित रूप से हम सभी लोगों को भी अच्छा फल ही प्राप्त होगा। तो यही संदेश हम लोगों को लेना है। और ये चूंकि माता का जागरण कार्यक्रम है तो माता के जागरण के संदर्भ में माँ के बारे में, माँ भगवती या दुर्गे के बारे में कुछ भी कहना वो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे जो माँ दुर्गा स्वयं बोली, दुर्गा सप्तशलोकी में माँ दुर्गा स्वयं एक अश्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त की है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानित मनुष्यो पर प्रसादन भविष्यति न संशय, अर्थात जो भी भक्त मन से माँ दुर्गे का नाम का स्मरण करता है, स्तुति करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है या उनके नाम का उच्चारण करता है या श्रवण करता है, माँ दुर्गे अपने समस्त भक्तों के समस्त प्रकार के विघ्नों को, बाधाओं को, कष्टों को दूर करती है और दूर करके उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाती है, पुत्र पुत्रादि धन धनादि से युक्त करती है। इसलिए हम सभी लोग उस माँ दुर्गे के लिए जो माता रूप में जानी जाती है हम लोग उस रूप में स्तुति करें। इसलिए दुर्गा सप्तशलोकी में कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, अर्थात जो देवी जो भगवती माता के रूप में स्थापित है हम सभी उस मां रूपी भगवती को, उस मां रूपी दुर्गे को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, बार-बार प्रणाम करते हैं। वही माँ दुर्गे हम सभी लोगों को शक्ति स्वरूप है। यहाँ पर बहुत सारी हमारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं। निश्चित रूप से आप सभी शक्ति स्वरूप है, आप सभी मातृ स्वरूप है और आप सभी का आप लोग मातृ स्वरूप में और शक्ति स्वरूप में आप सभी लोगों का वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। दुर्गा सप्तशलोकी में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, निश्चित रूप से जो माँ भगवती जो माँ दुर्गे शक्ति के रूप में स्थापित है उन शक्ति स्वरूप भगवती को हम लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। और जो मूल रूप में कहा गया कि निश्चित रूप से अगर हम लोग माँ भगवती को स्मरण करते हैं और सही मन से अगर याद करते हैं तो इसी चलते कहा गया कि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सदा दिखे सरण तंबे के गौरी नारायणी नमस्ते। तो आज की इस माता के कार्यक्रम में हम लोग संकल्प लें कि निश्चित रूप से हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ समय माँ भगवती के लिए निकाल कर उनके लिए समर्पित करें, यही हम सभी लोगों को संकल्प करना है। इसके साथ ही दो बात और करना चाहेंगे, चूंकि
गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास का जो मूल रूप से जो सार है, गोस्वामी तुलसीदास का एक वाइस से हम जिक्र करना चाहेंगे जो पूरे जीवन का हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित का मतलब होता है दूसरे का भलाई, तो दूसरे का भलाई परहित अर्थात दूसरे का भलाई जैसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है परहित, दूसरे का भलाई करना। अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में 18 पुराण है और 18 पुराणों का जो सार है, वेद व्यास ने 18 पुराण रचे हैं और 18 पुराणों का जो सार है उसमें मूल रूप से यही कहा गया है कि अष्टादश पुराने से व्यासन से वचनम दिया पुरोपकारा पुण्य पापा पर पुण्य, अर्थात 18 पुराणों का जो सार है दो ही वचन, एक वचन है कि परोपकार पुण्य। परोपकार मतलब होता है दूसरे की भलाई और पुण्य मतलब पुण्य के लिए, दूसरे की भलाई हमेशा पुण्य के लिए होता है और परपीड़ा यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाना हमेशा पाप के लिए होता है। तो हम सभी लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए कि हम सभी लोग को अपने जीवन को दूसरे की भलाई में लगा दे, परोपकार में लगा दे, दूसरे के उपकार में लगा दे, तो निश्चित रूप से जब हम दूसरे के उपकार में लगाएंगे तो जो व्यक्ति दूसरे के उपकार में लगाता है ऊपर वाले उसका भी उपकार करते हैं, उसकी भी भलाई करते हैं। तो ये हम सभी लोगों को संकल्प करना, तो ज्यादा कुछ नहीं करते हुए इतना ज्यादा इतना सुंदर कार्यक्रम है। आप सभी लोग अभी ठाकुरवाड़ी समिति के माध्यम से मुखिया जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि अगले बार जब आए थे तो यहाँ का स्वरूप कुछ और था और आज जब आ रहे हैं तो यहाँ पर मंच और स्टेज यहाँ पर हम लोगों के बीच में मुखिया जी के माध्यम से 15वें वित्त आयोग से बन रहा। इसके साथ ही अभी हम लोगों का एक काम और विधायक पद से बन रहा, ठाकुरवाड़ी में सेत का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह जब पूरा होगा तो इसका भी हम लोग उद्घाटन करेंगे। स्वरूप कुछ और बदला रहेगा। कुआं मरम्मती का काम था तो उसको भी हम लोगों ने किया है, पेयजल की समस्या था तो उसका भी हम लोग यहाँ पर निराकरण कर चुके हैं और आगे जो आप सभी लोगों की मांग है जिस जो मांग आप लोग कर रहे हैं वो मांग हम लोग बढ़ा चुके हैं। ये ठाकुरवाड़ी का बाउंड्री, तो ठाकुरवाड़ी का बाउंड्री के लिए हम लोग DMFT से अनुशंसा कर चुके हैं, इसका एस्टिमेट बन चुका है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम लोग ठाकुरवाड़ी का घेराबंदी का काम भी करा देंगे और आने वाले दिन में जो जो जरूरतें होगी ठाकुरवाड़ी के लिए या गोमिया विधानसभा के लिए या गोमिया के लिए, तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें जो चीजों की आवश्यकता होगी विकास के लिए हम लोग आप सभी लोगों के साथ खड़े हैं हमेशा। और अभी आप देखेंगे तो अभी चूंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक मंच है, हम बहुत बात नहीं करना चाहें, लेकिन अगर आप देखें तो विगत 5 साल में कई ऐसी चीज जो आजादी के 75